हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लेट पी इक्वल्स टू -1, 0, क्यू इक्वल्स टू 0, 0 एंड आर इक्वल्स टू 3, 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 3 बी 3 पॉइंट्स। देन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी क्यू आर इज। अब यहाँ पे अपने को 4 ऑप्शन गिवन है, अपने को बताना है कि यहाँ पे कौन सी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी क्यू आर के लिए। तो क्वेश्चन को आगे सोल्व करें उससे पहले जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो रहेगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर होता है ए लाइन दैट स्प्लिट एन एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स। अभी क्वेश्चन में अपने गिवन है लेट पी इक्वल्स टू -1, 0, क्यू इक्वल्स टू 0, 0 एंड आर इक्वल्स टू 3, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बी 3 पॉइंट। तो यहाँ पे अपने को ये किसके पॉइंट गिवन है, ये एक ट्राइंगल के पॉइंट गिवन है। तो अपने यहाँ पे एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर, ये अपने पास पी है, ये अपने पास क्यू है एंड ये अपने पास क्या है आर है। एंड यहाँ पे बाइसेक्टर किसका है, एंगल क्यू का है। तो यहाँ पे इस टाइप से बाइसेक्टर बना लेते हैं अपने। तो ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर। अभी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स -1, 0, क्यू है अपने पास 0, 0 एंड आर है अपने पास 3, 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 3। अभी अपने पास जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या रहता है कि अगर यहाँ पे ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ अपने पास कितनी है, ए है, एंड ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ अगर अपने पास बी है, तो यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या करता है, जो अपोजिट साइड की यानी कि जो अपोजिट साइड है उसको उसी रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, ए एंड ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस पॉइंट को अपने मान लेते हैं अपने क्या है, एम। अभी अपने यहाँ पे ए भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए और जो बी है वो क्या है, पी क्यू और क्यू आर है। तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू लेंथ, एंड लेंथ के लिए अपने पास क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर प्लस वाई वन सॉरी वाई टू -y1 का होल स्क्वेयर। वैल्यूज पुट आउट करेंगे पी क्यू के लिए, तो पी क्यू के लिए अपने पास आ जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 0 -1 का होल स्क्वेयर प्लस 0 -0 का होल स्क्वेयर। सोल्व करेंगे तो पी क्यू का अपने पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एंड क्यू आर के लिए सोल्व करेंगे अभी, तो क्यू आर लेंथ है अपने पास आ जाएगी स्क्वेयर रूट ऑफ, वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो अपने पास आएगा 3 -0 का होल स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 3 -0 का होल स्क्वेयर। सोल्व करेंगे तो अपने पास क्यू आर जो लेंथ है वो आ जाएगी 5 सॉरी 6, क्योंकि यहाँ पे यह आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 9 प्लस 25 सॉरी 27। तो ये आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 36 इक्वल्स टू 6। अपने पास पी क्यू एंड जो क्यू आर है उसकी वैल्यूज आ चुकी है। तो यहाँ पे पी क्यू अपने पास 1, तो यहाँ पे ये वाला जो रेशियो वो कितना होगा, 1 होगा एंड ये कितना रहेगा, 6 रहेगा। अब ये जो पॉइंट है मैं वो क्या कर रहे हैं, इनको एक्सटर्नली 1, 1:6 में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, सिंपली एम के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एम के लिए आ जाएगा अपने पास एम इक्वल्स टू 3 -6/7, 3√3/7। एम के लिए अपने पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3/7, 3√3/7। अपने को क्या करना है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसका इक्वेशन निकालना है। एंड यहाँ पे ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो किसको क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइसेक्ट सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, पी पी आर को। तो यहाँ पे इस पॉइंट का अपने क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आएगा क्यू एम सॉरी स्लोप ऑफ क्यू एम, तो ये रहेगा अपने पास 3√3/7 -3/7 = यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, अपने पास बचेगा -√3। स्लोप की इक्वेशन रहती है y = mx। तो यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा, वैल्यू पुट आउट करेंगे तो अपने पास आएगा y = m अपने पास माइनस
रूट थ्री एक्स, एंड यहाँ से अपने इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।